आई विल बी रादर गिविंग यू अ 5 pros and 5 cons टाइप ऑफ वीडियो, जहाँ पर इट विल हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन कि वेदर यू शुड गो विद द स्कूटी और नॉट। यूट्यूब एंड वेलकम बैक। सो आई हैव गॉट द स्कूटी TVS iQube S, ये मैंने खरीदी है टू बी प्रिसाइज ऑन 14th of November एंड आज है 18th of December, तो ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा आई हैव बिन यूजिंग दिस स्कूटी एज माई डेली ड्राइवर। आई एम नॉट गोइंग टू इनटू स्टैटिस्टिक्स मच, मैं कोई ज़्यादा नंबर्स कितने किलो की बैटरी है क्या है ये सब कुछ मैं नहीं जाने वाला हूँ। आई विल बी रादर गिविंग यू अ 5 pros and 5 cons टाइप ऑफ वीडियो, जहाँ पर इट विल हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन कि वेदर यू शुड गो विद द स्कूटी और नॉट। क्योंकि इफ़ यू सी ये स्कूटी में अभी आप इलेक्ट्रिक स्कूटी में इंशर्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। टू स्टार्ट विथ इसके 5 pros से, सबसे पहले इसके लुक्स, बिकॉज इफ़ यू सी, और आई डोंट नो हाउ दिस वीडियो इज जस्टिफाइंग द लुक्स और नॉट, बट टू योर आईज इट इज़ गिविंग यू अ प्रॉपर कन्वेंशनल स्कूटी लुक, विच इज़ ऑल्सो एडिंग सम स्पोर्ट्स एलिमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिस्प्ले एंड दिस अ स्मॉल विंडशील्ड एंड इट इज सेइंग यू अ स्मार्ट कनेक्ट बिकॉज इट कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ योर ब्लूटूथ एंड जो भी बेसिक डिटेल्स है वो सारे आपके फ़ोन के एप्लीकेशन में शो हो जाएगी। सेकेंड थिंग इज दिस की, सो दिस स्कूटी हैज़ अ फ्लिप की लाइक एज योर कार, और ये काफ़ी पावरफुल की है, नॉट ओनली विद द की बट ये फ्लिप भी काफ़ी पावरफुल है। थर्ड आई वुड से द बिगेस्ट यू नो USP व्हाई आई एम इन लव विद द स्कूटी इज दिस डिस्प्ले, बिकॉज दिस डिस्प्ले इज ब्रिलियंट एंड रात को ये जो डिस्प्ले गाड़ी का चलता है, नॉट ओनली नाइट बट दिन में इट इज़ गिविंग यू एक्सेलेंट विजिबिलिटी, वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। नाउ कमिंग बैक टू यू नो द हाईलाइट ऑफ द स्कूटी, द फोर्थ कोन इज़ द रेंज, बिकॉज जब हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद रहे, द ओनली कंसर्न वॉट वी हैव ऑफ दिस इलेक्ट्रिक स्कूटी इज़ द रेंज। सो अगर आप इसको 0 to 100 चार्ज करने के बाद इसको ड्राइव कर रहे हो इको मोड सिटी में या कहीं पर भी, तो ये आपको आराम से 100 किलोमीटर दे देगा इन इको मोड आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड जैसे अगर आप वेट ज़्यादा रख रहे हो स्कूटी में, आप दो लोग को ज़्यादा चला रहे हो, या फिर आप लोग अगर पावर पे चला रहे हो, तो अकॉर्डिंगली वैसे उसकी रेंज कम ज़्यादा होती रहेगी। बट अगर आप इको में चला रहे हो एंड यू आर ड्राइविंग इट गुड, आपको 100 किलोमीटर की रेंज आराम से 100% पे दे देगी। इवन इट कैन गो मोर देन 100, आई हैव गॉट 110 किलोमीटर रेंज विच आई हैव नॉट शूटेड, अदरवाइज आई कुड हैव बीन शेयरिंग दोज पिक्चर्स विथ यू। मोर और लेस यू कैन सी सम गुड टच विच दिस स्कूटी हैव, एंड द फिफ्थ एंड द बेस्ट पार्ट द प्राइस, बिकॉज आई हैव गॉट दिस स्कूटी ऑन इन जस्ट 1,33,000 टू बी वेरी प्रिसाइज, एंड इट्स अ डील ब्रो, इट्स अ पैकेज, बिकॉज अगर आप एथर देखोगे तो इट इज़ कॉस्टिंग यू मोर देन 1.5 lakhs। ओला आई डोंट थिंक इट इज़ अ नॉट लाइकिंग, क्योंकि उसका जो बॉडी शेप है मुझे पसंद नहीं आता। नाउ अगर मैं इसके 5 cons के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहला कॉन इसका है द डीलरशिप नेटवर्क। अब तक की स्कूटी का डीलरशिप नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग नहीं हुआ या डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी प्रॉपर नहीं। आई हैव गॉट द स्कूटी फ्रॉम उल्लासनगर एंड आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस जब ये गाड़ी मैंने ली है उनसे। सो आई एम थिंकिंग कि उसका एक अलग से वीडियो बनाओ, ताकि अगर इफ़ यू आर स्टेइंग इन कल्याण डोंबिवली रीजन एंड यू आर ट्राइंग टू बाय वन दिस स्कूटी फ्रॉम उल्लासनगर, सो यू कुड स्टॉप, दैट्स हाउ बैड इट वॉज। एंड इफ़ यू कैन सी दिस DRL इज़ प्रेटी कूल। सेकेंड कॉन आई वुड से दिस लाइट, बिकॉज इसका थ्रो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव, ऑल दो बिंग इट इज़ अ LED लाइट। आई वुड से मे बी इसका एक शॉर्ट में वीडियो बनाकर आई वुड अपलोड इट, सो फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड फोर्थ आई वुड से दिस बूट स्पेस, इट इज़ प्रेटी गुड बट इट कैन बी बेटर, but it is not every time this can happen. Okay, fourth advantage it is that iska TVS iQube S scooty aapko mil raha hai, but at the same time it is jo iska max version aane wala hai wo ab tak available nahi hua hai, to many of time even with we are not having a budget issue and we want something good range, so option nahi hone ki wajah se we have to go on this option too. The showstopper is this TVS iQube S. So if you ask me personally, if you want this scooty for a daily commute,
which you having a range from you know round trip of approximately 50-60 kilometers, you can go. This is giving you a brilliant ride and comfort. So stay tuned for more. I am planning some more videos with this scooty. Thank you.